साथियों, आज ये प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है उसके बाद है, उसके बारे में है। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पे जब 15 अगस्त को भाषण देते हैं, अपनी सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसीज और अपनी सरकार के सबसे बड़े कार्यक्रमों के बारे में जनता को बताते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे जरूरी और सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन के बारे में लाल किले से चर्चा नहीं करते हैं, मगर वो चर्चा देश की जनता रोज करती है। और वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है ऑपरेशन लोटस। और ये ऑपरेशन लोटस क्या है? ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का अपना इजाद किया हुआ शब्द है, जो शब्दकोश के अंदर आया, भारतीय राजनीति के शब्दकोश के अंदर इसकी उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुई है, ऑपरेशन लोटस। ये ऑपरेशन क्या है? ये ऑपरेशन ये है कि जब जब राज्य सरकारों को चुनाव में जनता चुनकर भेजती है, उसमें खूब समय मिलता है भारतीय जनता पार्टी को उस राज्य सरकार के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए। प्रधानमंत्री स्वयं प्रचार करने हर राज्य में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री प्रचार में हर राज्य में जाते हैं, चाहे दिल्ली जैसा छोटा शहर हो, चाहे वेस्ट बंगाल जैसा बड़ा जो है राज्य हो, प्रधानमंत्री स्वयं उतरते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं उतरते हैं मैदान में और प्रचार करते हैं। और जब प्रचार के बाद उस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करती है और किसी दूसरी पार्टी को चुनती है, तब जनता के फैसले के खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से वो षड्यंत्र शुरू होता है और उस षड्यंत्र का नाम है ऑपरेशन लोटस। ये ऑपरेशन लोटस हमने मध्य प्रदेश में देखा, जहां कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जनता को धोखा दिया। जनता की चुनी हुई सरकार को गोवा में गिराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई, ऑपरेशन लोटस द्वारा जनता को धोखा दिया। कर्नाटका के अंदर जेडीएस और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया गया, ऑपरेशन लोटस सीधा केंद्रीय भाजपा ऑफिस से चलाया गया, जनता की उम्मीद के खिलाफ जनता को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यह किया, हम सब ने देखा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कैसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के शिवराज सिंह चौहान को दोबारा बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ एक ऑपरेशन लोटस का कार्यक्रम शुरू किया, एक दिन के अंदर 6 मुकदमे अजीत पवार साहब के साथ जो दर्ज थे वो हटाए गए, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, भारतीय जनता पार्टी लगी रही और अंततः पिछले महीने शिवसेना को तोड़ के जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराया गया। जनता सरकारें चुनती है और भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिराती है। दिल्ली में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला के दिल्ली की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की। यह इनकी मोडस ऑपरेंडी है, यह इनकी कार्यशैली है। सबसे पहले
पार्टी के अंदर नंबर दो के नेता को अंकित किया गया कि मनीष सिसोदिया पार्टी के नंबर दो के नेता हैं, इनको टारगेट किया जाएगा, उनके खिलाफ स्कूलों के कमरों को बनाने की गड़बड़ी के अंदर एक बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, उसमें कुछ नहीं निकला, भारतीय जनता पार्टी हताश हुई। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी के अंदर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके खिलाफ कई महीनों से कैंपेन चलाया गया, कैंपेन चलाने के बाद सीबीआई की जांच की धमकी दी गई, सीबीआई की एफआईआर दर्ज की गई, सीबीआई ने 31 जगह छापे मारे, 14 घंटे मनीष जी के यहां 30 सीबीआई के अफसर रहे, उनका चप्पा चप्पा छाना, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ना पैसा मिला, ना सोना मिला, ना कोई बेनामी संपत्ति के कागज मिले। और उसके बाद इतना दबाव बनाने के बाद मनीष जी को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार गिरानी है। कुल मिला के ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर दूसरी बार हमने फेल किया। पहली बार कब फेल किया वो भी बताएंगे, और दूसरी बार आज हमने भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल किया, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का ऑपरेशन हमने फेल किया। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो तब का है जब हम लोगों ने मीडिया के आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। मीडिया के हमारे मित्रों ने बहुत सवाल उठाए, सबूत कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें क्या जरूरत है आम आदमी पार्टी की, हम इनको क्यों लेंगे, इनको तो हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और उसके बाद जो ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश भारतीय राजनीति में हमने किया, इससे बड़ा पर्दाफाश आज तक किसी ने नहीं किया होगा, यह आज तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश वो है जो हमने किया भारतीय जनता पार्टी का। एक बार वीडियो दिखाएंगे, इसको ऑफ कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऑपरेशन सरकार, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसने देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। जी हां, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा है, आरोप आम आदमी पार्टी के एमएलए को 4 करोड़ रुपए में खरीदने का। स्टिंग ऑपरेशन से अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर दिल्ली में सरकार नहीं बनने वाली। स्टिंग ऑपरेशन किसी और ने नहीं सुप्रीम कोर्ट में बल्कि आम आदमी पार्टी ने ही किया है, जिसे बीजेपी को नेता की खरीद फरोख्त करते हुए दिखाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए स्टिंग ऑपरेशन में। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह डागर पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए मोहनिया को खरीदने की कोशिश की और 4 करोड़ की रकम तक इसके लिए देने को वो तैयार थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आज ये स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और साथ ही कहा कि किसी भी हाल में हम बीजेपी की ऐसी सरकार नहीं बनने देंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन कई चैनल्स द्वारा दिखाया गया है और YouTube के अंदर उपलब्ध है। सितंबर 2014 का ये स्टिंग ऑपरेशन है और मैं अपने मीडिया के साथियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस मामले में भी बीजेपी का ऐसा पर्दाफाश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी
किसी राज्य की सरकार को तोड़ने की कोशिश दोबारा नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी जी जी, मैं पत्रकार होने के नाते आपकी जो जिज्ञासा है वो पूरी तरह से समझता हूँ। मैं आपकी जगह होता, मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा होती। मैं आप सब लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत जल्द उपयुक्त समय पे बड़ा पर्दाफाश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी, ये मेरा आप लोगों से जो है आश्वासन है। जिस कॉल की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली बीजेपी से आया? जी जी जी, बीजेपी हेडक्वार्टर से, नेशनल टीम से आया? कहां से आया ये तो बता सकते हैं? डायरेक्ट आया जस्ट के द्वारा? मैं सब कुछ बता सकता हूं, मगर मैं एक पार्टी का बहुत छोटा सा नेता हूं। जब पार्टी तय करेगी तो इसको बड़े मंच पे ढंग से हम लोग दिखाएंगे, आप लोगों को जो है हम लोग निराश नहीं करेंगे। क्या उसमें सिर्फ आप जो क्लेम कर रहे हैं? अच्छा, अब आप पूछेंगे क्या वो 16 क्या कहते हैं 40 साल से ऊपर के नेता थे या नीचे के नेता थे? अच्छा ये बता दीजिए, ऑफर रेट के पहले आया बाद आया? और ऑफर में क्या था? सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री का पद है, पैसा है, क्या था जिसका दावा आप लोग? एटलीस्ट पहले बात करो, बताइए। बहुत सारी डिटेल मैं नहीं बता सकता, मोटे तौर पे मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऑफर है और उसके क्या कहते हैं उसके बदले जो है सभी केसेस जो भी हैं इनके ऊपर सीबीआई का, ईडी का, स्कूलों का जो मामला चलाया हुआ है सबको वापस करने की जो है बात कही गई है। सॉरी, एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन, हाँ, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती होने वाली है, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, सवाल लगातार यही चल रहा है, वही चल रहा है, पार्टी के पास कुछ है? राइट, क्यों नहीं करते? करेंगे। मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को मैंने सुना कि हम तो चिमटे से भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं छुएंगे, चिमटे से। आज आम आदमी पार्टी की सरकार दो राज्यों में है, उस वक्त तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं थी, सस्पेंडेड एनिमेशन में 28 एमएलए ऐसे घूम रहे होते थे जैसे गली के अंदर कोई ऐसे घूम रहा हो, ऐसे घूमते थे। मैं भी विधायक था उसमें, पहचानते नहीं थे लोग हमको, तभी दिनेश मोनिया स्टिंग भी कर पाए। हम गली से निकल जाते थे तो बताना पड़ता था, भाई ये एमएलए, अच्छा ये है, अच्छा अच्छा, ये हालत थी हमारी। और आप देखिए वो प्रेस वार्ता करने के लिए पार्टी के पास ऑफिस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ के वो प्रेस वार्ता की जा रही है, और विधायकों की मीटिंग करने के लिए दिल्ली में जगह नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ये हमारा जो पुराना ऑफिस था गाजियाबाद में जहां पर अरविंद जी को फ्लैट मिला हुआ था सरकारी, वहां पे किसी ने अपने कोठी का ग्राउंड फ्लोर दे रखा था, वहां पे एमएलए की मीटिंग होती थी। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमने 4 करोड़ रुपए का ऑफर देते हुए वीडियो पे दिखाया। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठते हैं टीवी पे, कहते हैं अरे तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा देते हमारे खिलाफ? भैया एफआईआर तो इस केस में भी दर्ज करिए, ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन है, वीडियो है, गवाह है, सब कुछ है, आप सब जानते हैं इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2014 से आज 2022 आ गया, 8 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। हमें कानून से जो है कोई उम्मीद नहीं है कि दिल्ली पुलिस जो है इसके अंदर कोई उस नेता को पकड़ के जो है वो जेल के अंदर डाल देगी। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुमने उप मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करके ये ऑफर दिया? हमें पूरा इस दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, उसको पूरा जो है हम समझते हैं और हम उनकी मजबूरियां समझते हैं कि वो चाहकर भी इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल बता, जवाब दे दीजिए, क्या चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव के डेट्स आएंगे उसके बाद ये वीडियो जारी करेंगे? ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मगर कुछ पार्टी का एक तय एजेंडा है, एक तय कैलेंडर है, उसके हिसाब से करेंगे।
आप लोगों को निराश नहीं करेंगे।